अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं ये स्टूडेंट्स। हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे गिवन फंक्शन के जरिए हमने क्या करने हैं, रिमेनिंग या फिर जो है वो जो रिक्वायर्ड फंक्शन होंगे वो हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम जो है वो एक्सरसाइज 9.2 को डिस्कस कर रहे हैं। तो 9.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन 5 में है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 15/8 एंड टर्मिनल आर ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो कहते हैं कि टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड कॉसेकेंट थीटा। जी स्टूडेंट्स, तो इस लास्ट जो क्वेश्चन थे उसमें हमसे वो क्या रिक्वायर कर रहा था कि एक फंक्शन दे के वो कहता था रिमेनिंग तमाम जो फंक्शन है वो फाइंड कीजिए। अब यहाँ पे उसने स्पेसिफिक कर दिया कि ये दो फाइंड करने हैं, तो ये टू हम जो है वो क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इसमें अब उसने कहा है कि जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है और कॉट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो कॉट की वैल्यू जो है वो कहाँ पे पॉजिटिव होती है, वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉट और टेन, या फिर क्या होते हैं थर्ड में। तो फर्स्ट में उसने जो है वो मना कर दिया कि फर्स्ट में नहीं है, तो इट मीन ये कहां पे चला गया फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आइए अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास है कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8 और थीटा कहां पे लाई कर गया, लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जब वो कॉट लाई कर रहा है, तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सॉल्व करना है। अभी हमारे पास क्या है, कॉस भी फाइंड करना है, कोसेकेंट भी फाइंड करना है। तो हमने जब जो आइडेंटिटीज डिस्कस की थी उन आइडेंटिटीज में एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। जी स्टूडेंट, देखिए कॉट हमारे पास गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए कोसेकेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, उस आइडेंटिटी को राइट करेंगे, वी नो दैट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो अभी हम क्या कर देते हैं, इनकी वैल्यू लगा देते हैं 1 + कॉट, कॉट की वैल्यू हमारे पास है 15/8, इस सारे का क्या कर देंगे स्क्वायर, यहाँ आ गया 1 + 15 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 225 और 8 का बनेगा हमारे पास 64। तो ये हमारे पास आ गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इनका एलसीएम लेते हैं 1 और 64 का, तो ये आ जाएगा 64 को 1 पर डिवाइड करोगे तो 64, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, और ये 64 कट जाएगा तो 225 जो है वो क्या बच जाएगा हमारे पास, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 289/64 और ये हमारे पास वैल्यू आ गई कोसेकेंट स्क्वायर की। हमें कोसेकेंट की चाहिए तो क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बच गया कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू ±। अब 289 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास बच जाएगा 17 और 64 का लेंगे तो ये आ जाएगा 8। अब हमने देखना है थीटा कहाँ पे है, थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट यानी साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो कोसेकेंट भी नेगेटिव हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -17/8। तो ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी उनमें से एक हमने क्या कर दी,
कैलकुलेट कर ली। अभी हम जो है वो सेकंड कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए देखिए सेकंड में हमने क्या करना है, कॉज कैलकुलेट करना है। तो कॉज के लिए हमें साइन चाहिए, तो साइन क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वन ओवर कोसेकेंट, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वन ओवर, अभी इसकी वैल्यू देखें कितनी आई, -17/8, तो ये रिवर्स हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -8/17। स्टूडेंट ये हमसे रिक्वायर नहीं था, ये हमने एज अ जरूरत कॉस फाइंड करने के लिए हमें साइन की जरूरत थी, तो हमने क्या कर दिया, साइन कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर। अभी हम जो वो क्या कर देते हैं, साइन वाली वैल्यू पुट कर देते हैं वन माइनस, और ये हमारे पास आ रहा है -8/17 होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1-8 का स्क्वायर लेंगे 64, 17 का स्क्वायर लेंगे तो 289 बन जाएगा। अब इसका ओवर वन, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 289, अब इधर आ जाएगा 289-64, तो ये रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 289 में से 64 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 225/289। अभी हमने क्या करना है, स्केयर रूट लेना है स्केयर को खत्म करने के लिए, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू +-25 का स्केयर रूट लेंगे तो 15 आ जाएगा, और 289 का स्केयर रूट लेंगे तो 17 आ जाएगा। अभी देखिएगा तो एंगल जो है वो कहाँ पे है, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू -15/17। तो ये जो सेकंड हमसे रिक्वायर थी वैल्यू, वो भी हमने क्या कर दी, कैलकुलेट कर दी। तो जी स्टूडेंट्स, अगर वो हमसे सारी वैल्यू पूछता है, यानी रिमेनिंग ऑल फंक्शंस कह रहे था, तो फिर हम क्या करते, ऑल फंक्शंस फाइंड करते। अभी उसने हमसे रिक्वायर क्या किया है कि हमने क्या करना है, कॉस और कोसेकेंट को फाइंड करना है, तो वो हमने कैलकुलेट कर दिया। तो इसके लिए अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में एक गिवन फंक्शन है और फिर हमें कह रहा है कि जो रिमेनिंग ऑल वैल्यूज हैं वो क्या करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब इसके लिए हम मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 है, इफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर +1/2m। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड m ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो जस्ट जो है वो एज अ कन्फ्यूजन या एज एहतियातन कहा गया है कि एम की वैल्यू अगर जीरो हुई तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा, इससे मना किया गया। और फिर हमें कहा गया है जो थीटा है वो क्या कर रहा है, थीटा जो है वो जीरो से लेस है, सॉरी जीरो लेस है थीटा से, यानी थीटा जो है वो जीरो से ग्रेटर है और लेस है पाई बाई 2 से, तो इट मीन 0 और पाई बाय 2 यानी 0 और 90 के बिटवीन थीटा है, तो इट मीन ये थीटा जो है वो कहां पे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फिर कहता है कि फाइंड रिमेनिंग फंक्शंस। तो अब हमने क्या करना है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे के सारे हमने फाइंड करने हैं। तो अभी हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर +1/2m। स्टूडेंट ये हमें गिवन है, तो यहां से हम क्या कर देते हैं, साइन फाइंड कर लेते हैं। तो साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosecant या जाएगा 1/m² + 1/2m। तो अभी हम क्या कर देते हैं,
इसको रिवर्स कर देंगे तो ये जो 2m है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। तो अभी हमारे पास ये एक फंक्शन आ गया। अभी इसके लिए हम जब वो आइडेंटिटी लगाते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन की वैल्यू हमें गिवन है तो 1 माइनस 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके मुताबिक इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये बन गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2m का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4m स्क्वायर ओवर में आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हमें ओपन करना होगा, इसके लिए हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उस आइडेंटिटी के मुताबिक ऊपर वाले को ओपन कर देते हैं क्योंकि उसने उसके साथ प्लस माइनस होना है। फिर ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो अब हम जो है ये a m स्क्वायर हमारा a है तो ये क्या बन जाएगा m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab2 इनटू m स्क्वायर इनटू 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और ये माइनस 4m स्क्वायर एज इट आ जाएगा। नीचे वाले में कोई चेंज नहीं लानी, इसको वैसे ही रहने दें तो ये स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखिएगा तो ये बन जाएगा m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2m, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2m स्क्वायर और इधर हमारे पास है माइनस 4m स्क्वायर तो क्या बन जाएगा माइनस 2m स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 1 या फिर हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स जब हम प्लस वाली आइडेंटिटी को ओपन कर रहे हैं तो m स्क्वायर के स्क्वायर के साथ और 1 के यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहां पे हमारे पास 2m स्क्वायर बन रहा है यानी 2ab वाला 2m स्क्वायर बन रहा है और वो प्लस में है। फिर हमारे पास उसको सिंपलीफाई करने के बाद आ रहा है माइनस 2m स्क्वायर तो इट मींस हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 2ab। जब माइनस 2ab आ रहा है तो फिर हम इसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर में आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है कॉस स्क्वायर की। स्क्वायर को खत्म करना चाह रहे हैं स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो ये हमारे पास बच जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 ओवर एम स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमारे पास थीटा जो है वो कहाँ पे आ रहा है, थीटा आ रहा है 0 और पाई बाई 2 यानी 0 और 90 के बिटवीन तो वो बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो तमाम फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं तो लिहाजा कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 सॉरी माइनस 1 ओवर एम स्क्वायर प्लस 1 तो ये हमारे पास कॉस की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास कोसेकेंट भी आ गया कॉस भी साइन भी आ गया और कॉस भी आ गया। अभी हम यहाँ से टेन फाइंड कर लेते हैं तो ये टेन थीटा हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा तो साइन की वैल्यू हमारे पास है 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1 होल ओवर और कॉस की वैल्यू आ रही है m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1। इस m स्क्वायर प्लस 1 को m स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल कर देते हैं तो ये बच जाएगा 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1 और ये हमारे पास वैल्यू आ गई टेन थीटा की। अभी हमारे पास है कॉट थीटा तो कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है तो इसको रिवर्स करके लिख देते हैं ये क्या आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। अब हमारे पास रह गया सीकेंट, सीकेंट थीटा होता है 1 ओवर कॉस
तो कॉस वाली वैल्यू हो जाए उसको रिवर्स कर देते हैं, तो सीकेंट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस वन ओवर आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन, ये क्या बन जाएगा, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास सीकेंट की। साइन कोसेकेंट गिवन है, कॉस भी आ गया, टेन भी, कॉट भी एंड सेकंड भी आ गया। तो जी स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है हमने क्या किया, इसको स्टेप वाइज यानी साइन कोसेकेंट वाले से भी हम कर सकते हैं, कोसेकेंट वाले से अगर आप करना चाहेंगे तो फिर आप ये आइडेंटिटी लगाएंगे कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या करोगे, यहाँ वन इधर ले आएंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। उस तरीका से हमारा जो क्वेश्चन है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कोसेकेंट और कॉट से साइन और कॉस निकालना, यानी साइन तो आ जाएगा, साइन निकालने के लिए फिर हमें यही आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो बेस्ट यही है कि हम क्या कर देते, यही डायरेक्ट हम साइन में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि अगर हम इस आइडेंटिटी के जरिए कॉट भी फाइंड कर लेते लेकिन साइन और कॉस फिर वही, तो साइन जो है वो फिर हमें क्या करना पड़ना था, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल लेके फाइंड करना पड़ना था। तो लिहाजा हमने क्या करना है, उस मेथड को लगाना है, उससे जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, हो इससे भी जाएगा, इससे सिर्फ कॉट होगा, फिर इसी को यूज करोगे, और यूज करने के बाद आप क्या करोगे, साइन, साइन से फिर वही आइडेंटिटी लगा के फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बेस्ट फिर यही है हमारे लिए कि हम क्या करें, हम डायरेक्टली इसी को यूज करें, तो इससे हमारे लिए क्या होगी, आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह।